हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीमा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं जोधपुर के फेमस मिर्ची बड़े, जो कि आपको बहुत ही डिलीशियस लगेंगे, बहुत ही चटपटे बनते हैं। साथ ही आप इसे चटनी से, सॉस से, किसी भी चीज़ से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, हेल्पफुल होती है, तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको मिर्ची बड़े को कट करके बताया है। इस तरह के बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी मिर्ची बड़ों को हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिर्ची बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं मसाले की। तो यहाँ पर मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, इसका छिलका हटा लिया है और इसे आप देख सकते हैं यहाँ बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो पीसेस में कट करें, या फिर आप चाहें तो इन्हें अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं एक तरफ। अब मैंने चढ़ाई है यहाँ पर कढ़ाई, इसमें डाला है यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल। तो एक बड़ी चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल लिया है, इसे गर्म कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हींग, साथ ही डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा, और यहाँ मैंने डाली है आधा चम्मच राई। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे और अब मैंने इसमें डाली है यहाँ पर एक चम्मच सौंफ। सौंफ ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही डाली है दो मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अब मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर दो से तीन मीडियम बिल्कुल कटे हुए बारीक प्याज। अगर आप प्याज खाते हैं तो डालें, वरना आप प्याज को स्किप करके भी आलू के इस मसाले को तैयार कर सकते हैं। तो प्याज जब हल्के से यहाँ पर ब्राउन हो जाएंगे, तब हम इसमें ऐड कर देंगे ये आलू जो हमने मैश करके तैयार रखे थे। इस आलू को यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़े से ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। हमें इसको ज़्यादा तीखा नहीं करना है, तो मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। साथ ही डाला है हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब हम यहाँ पर इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आलू में मिक्स हो जाए। गैस मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है और इसे मिला देने के बाद हम करीबन दो मिनट इसे ढक कर के पका लेंगे, ताकि यहाँ पर आलू जो है बहुत ही अच्छे से सारे मसालों के साथ मिक्स हो जाए। तो दो मिनट करीब हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम इसमें यहाँ ऊपर से डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, और साथ ही डालेंगे हम यहाँ पर फ्रेश धनिया। और इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस हम बंद कर देंगे। यहाँ सबसे लास्ट में मैंने डाला है आधा चम्मच नींबू का रस। तो इन सब चीज़ों को हम मिला देंगे और यहाँ पर अब इस मसाले को हम किसी अलग से बर्तन में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं यहाँ पर आगे की तैयारी। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल में लिया है चार चम्मच बेसन। बेसन को यहाँ मैंने अच्छे से छान लिया है, और छानने के बाद ही हमें यहाँ पर बेसन को लेना है। बेसन में मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही एक चम्मच रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच हींग। साथ ही डाला है इसमें मैंने एक चम्मच सौंफ, और अब हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे आधा चम्मच जीरा। आप चाहें तो यहाँ पर सिका हुआ जीरा भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने डाला है आधा चम्मच गरम मसाला। और अब हम एक बार इन सारी ही ड्राई चीज़ों को मिक्स कर देंगे विस्कर की हेल्प से। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो हम बैटर बना रहे हैं इसको थोड़ा थिक होना ज़रूरी है। ज़्यादा पतला गर्म कर देंगे तो यहाँ पर मिर्ची पर अच्छे से ये बेसन कोट नहीं होगा। तो बेसन को साइड में मैंने रख दिया एक तरफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की बड़ी साइज़ की मिर्ची। मिर्ची बड़ों के लिए आप इस तरह की फ्रेश मिर्ची और साथ ही साइज़ में जो बड़ी मिर्ची होती है उसका यूज़ करें। तो यहाँ इन मिर्चियों को मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ पर पोंछ लिया है, और अब आप देख सकते हैं मैंने इन सभी मिर्चियों में इस तरह से कट लगा लिया है। और बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बहुत सारे बीज हैं, हम इन बीजों को यहाँ पर एक स्पून की हेल्प से रब करके निकाल लेंगे। अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप इन बीजों को रहने दें, वरना आप यहाँ पर इन बीजों को निकाल सकते हैं, ताकि जो हमारे मिर्ची बड़े बने वो बहुत ज़्यादा तीखे नहीं बने। तो यहाँ पर सारी ही मिर्चियों में मैंने इस तरह से बीज निकाल दिए हैं और इन्हें अंदर से बिल्कुल क्लीन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम यहाँ पर इन मिर्चियों में अच्छे से हम मसाला भर लेते हैं। जो मसाला हमने बना करके तैयार रखा था, उस मसाले को मैंने यहाँ पर स्पून की हेल्प से मिर्ची में बहुत ही अच्छे से भर लिया है। आपको फ्रेंड्स, यहाँ मसाला भरने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जितना अच्छा हम यहाँ पर मिर्ची में अंदर आलू का मसाला भरेंगे, हमारे जो मिर्ची बड़े बनेंगे वो उतने ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पर सारी ही मिर्चियों में मैं इस तैयार मसाले को
भर करके रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आप चाहें तो चम्मच से भरें, आप चाहें तो इस तरह से यहाँ पर हाथ से भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो ठंडा हो चुका है। तो सारी मिर्चियों को मैं यहाँ पर तैयार कर लेती हूँ एक साथ। आप देख सकते हैं सब में मैंने बहुत अच्छे से मसाला भर लिया है। और यहाँ पर जो हमने बेसन का घोल तैयार रखा था उसे भी करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं और अच्छे से इसे फेंट लेती हूँ, इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब यहाँ पर एक साइड मैंने रख दी है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल, और दूसरी साइड में यहाँ पर इस मिर्ची को अच्छे से इस बेसन में कोट कर लेती हूँ। कहीं से कोई जगह यहाँ पर खाली नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से कोट करके हम इसे कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका था। हमें यहाँ पर इतना तेल लेना है कि जो हमारी मिर्ची है वो अच्छे से डूब जाए, और बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, वरना डालते ही हमारे जो मिर्ची बड़े हैं वो जल जाएंगे। एक बार अच्छे से तेल गर्म हो जाने पर हम गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक इन मिर्चियों का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे इस तरह से अल्ट पल्ट करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्ची जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हैं बाहर से कितनी अच्छी यहाँ पर बेसन की कोट हुई है, जो कि बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है टिश्यू पेपर पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा यहाँ पर हट जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बाकी की जो भी मिर्चियाँ हमने तैयार करी है, मैं यहाँ पर उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, सारा जो हमारे मिर्ची बड़े हैं वो बन करके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, कितने अच्छे, कितने टेस्टी और कितने कलरफुल यहाँ पर हमारे मिर्ची बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। इस तरह के मिर्ची बड़े राजस्थान में बहुत फेमस हैं, स्पेशली जोधपुर में। वहाँ के मिर्ची बड़े आप एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देंगे जैसा आपको मार्केट में मिलने वाले मिर्ची बड़े का टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिर्ची बड़े को कट करके बताया है। आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा मसालेदार और कितना ज़्यादा टेस्टी हमारा यहाँ पर मिर्ची बड़ा बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मुझे तो इंस्टाग्राम और FB पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए, टिल देन, बाय बाय।